हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो इन टुडेज वीडियो हम क्या पढ़ेंगे, क्लेम्स फॉर ग्रुप। ठीक है, क्या पढ़ना है हमने? क्लेम्स फॉर ग्रुप, जिसको आप के फॉर ग्रुप भी बोलते हैं। हम ये पढ़ेंगे, विल स्टडी कि व्हाट इज के फॉर ग्रुप, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, जो उसमें एलिमेंट्स हैं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट्स, ठीक है, और वो ग्रुप कैसे है। ठीक है, और हम ये पढ़ेंगे उस ग्रुप के बारे में कि उस ग्रुप के सब ग्रुप कौन से हैं, ठीक है, और उनका ऑर्डर क्या है, या फिर इस ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं के फोर ग्रुप पढ़ना। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर फोर। अ ग्रुप, बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये वेरी सिंपल ग्रुप है और इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यूज भी, या फिर अगर आप एमएससी कर रहे हैं या फिर आप नेट गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर फोर इन विच, ऐसा कोई भी ग्रुप ऑर्डर फोर का, इन विच एवरी एलिमेंट इज सेल्फ इन्वर्टिबल। अब सेल्फ इन्वर्टिबल का मतलब क्या हुआ? सेल्फ इन्वर्टिबल का ये मतलब होता है कि उस एलिमेंट का इन्वर्स वो खुद होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ए इज इक्वल टू ए इन्वर्स। अगर कोई एलिमेंट इसमें ए है, जैसे कि जो के फोर ग्रुप होता है वो क्या होता है, ई ए बी सी। ई क्यों? क्योंकि हर ग्रुप में आइडेंटिटी होनी चाहिए, इसलिए हम इस ग्रुप को ऐसे डिनोट करते हैं, ई ए बी सी। अब डजंट मैटर, आप ये नहीं है कि इट्स नॉट कंपल्सरी कि ये चारों एलिमेंट सेम ही होंगे या यही का यही ग्रुप है। जैसे क्वार्टरनरी ग्रुप डिफाइन था, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस आई जे के, प्लस माइनस जे, प्लस माइनस के, तो वो पर्टिकुलर वही ग्रुप था, उसके वही एलिमेंट्स थे, उनकी वही कुछ प्रॉपर्टीज थी। बट ये जो ग्रुप है के फोर ग्रुप, इसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे कि एक आपने यू एट ग्रुप अगर सुना हो, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, वो ग्रुप क्या होता है, 1, 3, 5, 7 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 8 होता है ये ग्रुप। ठीक है, तो इस ये भी जो है ये एक के फोर ग्रुप है, क्योंकि ये के फोर ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होती है, के फोर ग्रुप की प्रॉपर्टी कि इसका हर एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल होता है, हर एलिमेंट खुद का इन्वर्स है, वो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये भी एक के फोर ग्रुप है। तो ऐसा नहीं कि के फोर ग्रुप सिर्फ यही है, के फोर ग्रुप बहुत सारे होते हैं। अगर किसी भी ऐसे ग्रुप में जिसका ऑर्डर फोर है, ऑर्डर ऑफ के फोर, के फोर इज क्या है, ऑर्डर ऑफ के फोर इज फोर, कोई भी ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर फोर है और उसका हर एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल है, दैट मींस दैट ग्रुप इज अ के फोर ग्रुप, वो ग्रुप के फोर ग्रुप है। ठीक है, अब देखिए जो ए ए इनवर्स के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, हर एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल है, तो आप ए ऑपरेट कर दीजिए दोनों साइड पे, तो क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वेयर इक्वल टू ए इनवर्स ए, क्या बना आपका, ई। ओके, दैट मींस ए स्क्वायर ए इज इक्वल टू ई। ए को दो बार ऑपरेट किया तो हमें आइडेंटिटी मिल गया, है ना। तो इसका मतलब इस ग्रुप में ऑर्डर ऑफ ए एक्सेप्ट आइडेंटिटी, ऑर्डर ऑफ ए 2 होगा, ऑर्डर ऑफ बी 2 होगा, ऑर्डर ऑफ सी भी क्या होगा, 2, क्योंकि अगर हर एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल होगा तो उसका ऑर्डर 2 होगा। कोई भी ऐसा एलिमेंट जो सेल्फ इन्वर्टिबल हो उसका ऑर्डर क्या होता है, हमेशा 2। ए को 2 टाइम्स ऑपरेट किया तो वी गॉट ई। तो ये हुआ आपका के फोर ग्रुप। के फोर ग्रुप भी हमने बता दिया क्या है और ये भी बता दिया कि इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये क्या ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। हमें ये तो हमें पता है कि ये ग्रुप है, बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये ग्रुप की प्रॉपर्टीज को कैसे सेटिस्फाई करता है, कौन सी प्रॉपर्टीज को। जो आपकी ग्रुप की चार प्रॉपर्टीज होती हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो कोई भी ग्रुप हो तो उसको उन प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी वो क्या बनता है, ग्रुप बनता है। तो उन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने के लिए हमें ग्रुप की टेबल आनी चाहिए। ठीक है, अगर हमें ग्रुप की टेबल पता है तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप को भी बना सकते हैं, है ना। ठीक है,
तो ये हुआ आपका ई ए बी सी। तो अब हम ये टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। पहले तो हमने आइडेंटिटी से ऑपरेट किया, इसलिए मैंने लिख दिया फटाफट। आइडेंटिटी से आपने ऑपरेट किया तो आपको ई से ई, ई से ए को, किसी भी एलिमेंट को आप आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करते हैं तो यू विल गेट दैट एलिमेंट ओनली। सिमिलरली यहाँ भी ए को ई से ऑपरेट किया, बी को ई से किया, सी को ई से किया, तो आपको वही एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। और एक चीज मैंने आपको बताई थी, ए डॉट ए ई मिलता है, बी डॉट बी भी ई मिलता है, एंड सी डॉट सी भी आपको क्या मिलता है, ई मिलता है। तो नेक्स्ट जो ए डॉट बी होता है वो क्या होता है, दैट इज सी, एंड बी डॉट ए भी क्या होता है, सी होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए, बी डॉट ए भी क्या होता है, सी, ठीक है। ए डॉट सी क्या होता है, बी, एंड सी डॉट ए भी क्या होता है, बी। बी डॉट सी इज ए एंड सी डॉट बी इज ऑल्सो ए। तो ये होती है इस ग्रुप की प्रॉपर्टीज, जो उसकी ऑपरेशन होता है वो कैसे ऑपरेट होता है, ठीक है। ए डॉट ए इज ई एंड ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों क्या होते हैं, सी। सिमिलरली ए डॉट सी एंड सी डॉट ए दोनों क्या होते हैं, बी। और सिमिलरली सी डॉट ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट बी इज ए। तो ये हो गया आपका, हमने ये केले टेबल बना ली, ठीक है। मैंने एक वीडियो में आपको ये बताया है कि हाउ कैन वी मेक दीज टेबल्स, यू कैन सी दिस दैट वीडियो, ठीक है। अब देखिए क्या है आपका, ये आपको मिल गई है टेबल। अब आप इस टेबल से देखिए क्या आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है। हमने इस ऑल पॉसिबिलिटीज वी हैव टेकन कि जिससे आपको ये पता चले कि इन दोनों को ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है आपकी कि ग्रुप के आप किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करें तो यू शुड गेट, जो आपका जो रिजल्ट है, यू शुड गेट रिजल्ट फ्रॉम दैट ग्रुप ओनली, ठीक है। तो आपने ये देखा कि यहाँ भी हमने ग्रुप के सारे ले लिए, हमने सारी पॉसिबिलिटीज ले ली, यहाँ भी ले लिए, यहाँ भी ले लिए, और आपको जो रिजल्ट मिला वो ग्रुप के एलिमेंट्स ही मिले, ई ए बी सी। दैट मीन्स ये क्या बताता है, ये ग्रुप ये बताता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली यू कैन चेक एसोसिएटिविटी ऑल्सो, इस तरह से ये आपको ये पता चल जाए कि ग्रुप एसोसिएटिव भी है। थर्ड आती है आइडेंटिटी, तो आपको देख लीजिए ग्रुप में आइडेंटिटी भी है कि ग्रुप के सारे एलिमेंट्स ऑपरेट करने के बाद वही एलिमेंट्स खुद आ रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट। और अब आपने देखना है इनवर्स एलिमेंट, क्या ग्रुप में हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। आप ई का इनवर्स तो ई ही है, ए का इनवर्स क्या है, अगर आपको किसी को किसी से ऑपरेट करने पर ई मिल रहा है, दैट मीन्स ग्रुप का उस एलिमेंट का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो विद दिस टेबल यू कैन सी दैट ऑल फोर प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप वी कैन सेटिस्फाइड, ठीक है, वी कैन सेटिस्फाई। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं दीज आर सेटिस्फाइड। तो इससे आपको ये मिला जो क्लेन्स फ्लोर ग्रुप है ये क्या होता है, कैसे ये ग्रुप बना, इसके एलिमेंट्स का हमने ऑर्डर देखा। अब हम ये देखेंगे कि इसके कौन कौन से सब ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। नाउ वी विल सी व्हाट आर द सब ग्रुप्स ऑफ के फोर। के फोर आपको मालूम है, किसी भी ग्रुप के सब ग्रुप फाइंड करना वेरी सिंपल है। आप देखिए कैसे फाइंड करते हैं, K4 है आपका E A B C, ठीक है। अब आपने इसके सब ग्रुप देखने हैं। सब ग्रुप के लिए सबसे पहले आप दो सब ग्रुप वो लिख दीजिए जो इसके इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं, कौन कौन से, ठीक है। जो होते हैं एक तो आइडेंटिटी, जिसको मैं सब ग्रुप को H बोल देती हूँ, एक सब ग्रुप है इसका आइडेंटिटी, ठीक है, और एक सब ग्रुप हम इसका लिख देते हैं कौन सा, ये ग्रुप खुद क्या हुआ, ई ए बी सी। ये दो सब ग्रुप तो हर ग्रुप के होते ही हैं, है ना, क्योंकि इनको हम नॉन ट्रिवियल या फिर इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स, ट्रिवियल सब ग्रुप्स या फिर इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये दोनों एग्जिस्ट करते ही करते हैं हमेशा। इसके अलावा हम देखेंगे इसके कि इसके प्रॉपर सब ग्रुप्स कौन कौन से हैं, ठीक है। ये आपका ग्रुप है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप, फोर, ठीक है। और मैं ये आपको बहुत बार बता चुकी हूं कि क्या कि सब ग्रुप्स का जो ऑर्डर होता है दैट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अब जो सब ग्रुप का ऑर्डर है क्या क्या हो सकता है, वो फोर को डिवाइड करना चाहिए। फोर के डिविजर्स कौन कौन से होते हैं, वन टू एंड फोर, सिर्फ यही होते हैं फोर के डिविजर्स। तो वन और फोर का तो हमने ले लिया, वन ऑर्डर का भी ले लिया और फोर ऑर्डर का भी ले लिया, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट सब ग्रुप कौन सा बने जो टू ऑर्डर का होना चाहिए, एंड दैट शुड बी अ ग्रुप ऑल्सो, वो ग्रुप की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करे।
उसमें आइडेंटिटी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ग्रुप की प्रॉपर्टी को वो तभी सेटिस्फाई करेगा जब उसमें आइडेंटिटी होगी। ठीक है, आइडेंटिटी होनी चाहिए, उसके अलावा क्या लें? अगर उसके अलावा मैं ए ले लूं तो क्या ये ग्रुप बनेगा? तो आप इसको सॉल्व करके जब देखेंगे तो ये ग्रुप बनेगा कि इसमें आइडेंटिटी भी है, इसका जो इनवर्स होगा, एवरी एलिमेंट इज सेल्फ इन्वर्टिबल, तो इसका इनवर्स ये खुद ही है। ठीक है, और क्लोजर भी होगा, क्योंकि ए को ई से, ई को ए से ऑपरेट करेंगे तो ग्रुप में ही आएगा, और एसोसिएटिव भी होगा। दो ही एलिमेंट है तो एसोसिएटिविटी इसमें हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर आप किसी को ग्रुप को प्रूफ कर रहे हैं, अगर आप ये नहीं दिखा पा रहे कि वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है, दैट मीन्स यू विल सी दैट दिस दैट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे ही एच फोर एक ग्रुप बनेगा जो ई बी से बनेगा, एच फाइव एक ग्रुप बनेगा जो ई सी से बनेगा। ये इसके पांच सब ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, अब ये बताइए कि इसके अलावा क्या हम ये बना सकते हैं ए बी दो ऑर्डर का एक सब ग्रुप? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें आइडेंटिटी नहीं है, सेकेंड थिंग कि अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई करने लगे, ए डॉट बी क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, वो भी इसमें नहीं है, तो दिस इज नॉट अ ग्रुप। तो इसके कौन से पांच सब ग्रुप्स होते हैं? ये भले पांच सब ग्रुप्स। ठीक है, तो वैसे भी जैसे ही आपने जब भी सब ग्रुप बनाने हो तो सबसे पहले आप ये देखिए कि सब ग्रुप्स के ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, उसी ऑर्डर का आप सब ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, थ्री ऑर्डर का तो बना ही नहीं सकते आप सब ग्रुप, क्योंकि बिकॉज ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। तो ये हुआ आपका के फोर ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमने पढ़ लिया, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप्स पढ़ लिया, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स पढ़ लिया, और ये ग्रुप है कि नहीं है ये भी हमने देख लिया। तो दिस कंप्लीट्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ के फोर ग्रुप। के फोर ग्रुप कैन नॉट बी जनरेटेड बाय वन एलिमेंट, आप इसको किसी भी एक एलिमेंट से जनरेट नहीं कर सकते। सो दिस इज अ नॉन साइक्लिक ग्रुप एंड दिस इज स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक ग्रुप जो के फोर होता है आपका। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, आपको समझ आया हो। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द वेरी एंड ऑफ दिस वीडियो।